अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा बेटे, कल हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसे हमने को रिलेट किया था ब्लॉक्स के साथ। अल्लाह करे कि वो क्लियर हो चुका होगा। अच्छा बेटे, अभी भी किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अब से कोई 10-15 मिनट बाद, क्योंकि जो मैंने पहले डिस्कस करना है वो हम पढ़ लेंगे, उसके बाद आप ज़रूर पूछिएगा। पेज नंबर 49 पे बेटे हमने डिस्कस करना है, और जो अभी शुरू में हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक हमारा, वो एक केमिस्ट्री की ब्रांच है, अल्केमी। तो अगर हम इसको डिस्कस करें बेटे, तो आज से कोई थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो इस पे काम होता था। यानी कि बहुत ही पुरानी बात है कि साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे थे। क्या ख्याल था उनका या क्या वो चाहते थे बेटे? मेन उनके दो ऑब्जेक्टिव्स थे, दो तरह के काम वो करने की कोशिश कर रहे थे। यकीनन जब भी बेटे कोई काम किया जाता है, कोई भी साइंटिफिक रिसर्च की जाती है, तो उसका जो मेन पर्पस होता है वो इंसान का फायदा ही होता है। वो अलग बात है कि हम लोग उसका यूज गलत करते हैं, जिससे काम खराब हो जाता है। कोई भी चीज़ सही गलत नहीं होती, ठीक है जी। उसका यूज़ कैसे होगा वो उसको सही या गलत बनाएगा। हम अच्छा यूज़ करेंगे तो यकीनन वो चीज़ ठीक है, वो इन्वेंशन ठीक है, और अगर हम गलत यूज़ करेंगे तो वो जो इन्वेंशन है वो ठीक नहीं। तो बेटे जो दो काम इन्होंने किए थे या करने की कोशिश की थी वो ये था बेटे, एक तो इनकी जो कोशिश थी वो ये थी कि ये कोशिश करते रहे टू कन्वर्ट कॉमन मेटल्स इनटू गोल्ड। उसमें खास तौर पे दो मेटल्स का नाम दिया जाता है, लेड का और सिल्वर। इस पे इन्होंने काम किया, किसी हद तक कामयाब हुए या नहीं हुए वो अलग की बात है, अब हम इसको कंसीडर नहीं किया करते। वो समझ लें कि अगर ये इस काम में कामयाब हो भी गए कि ये इसको इस तरफ या इसको इस तरफ से लेके जाके कन्वर्ट कर दे इन्होंने गोल्ड में, तो शायद वो फिजिबल इस तरह से नहीं था। हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, प्रोडक्ट जो ओवरऑल बने या हमारा जो ओवरऑल रेवेन्यू इकट्ठा हो वो कम हो, सकता है ऐसा काम हुआ जिस वजह से फिर इसके ऊपर फर्दर बात नहीं हो सकती। दूसरा बेटे जो इन्होंने काम किया था वो बेसिकली था डिजीजेस पे। अब यकीनन जैसे आजकल अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, कोरोना हर तरफ फैला हुआ है, तो यकीनन इसके बारे में पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि कोई ऐसा तरीका ईजाद कर लिया जाए, कोई ऐसा तरीका बनाया जाए या अपनाया जाए जिससे उसे ठीक किया जा सके। तो ये वो लोग थे अल्केमी वाले जो लोग थे, तो इन्होंने जो कोशिश की थी वो ये थी, इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी अपनी, बहुत बड़ी सोच थी अगर ये इसमें कामयाब हो जाते, लेकिन चूंकि ये कोई आसान काम नहीं था, इनकी अप्रोच ये थी कि ये चाह रहे थे कि जो भी डिजीजेज हैं उन डिजीजेज को इस तरह से क्योर किया जाए, इस तरह से उन्हें ठीक किया जाए इंसान को कि उसको इटर्नल लाइफ मिल जाए। इटर्नल लाइफ से मुराद बेटा जी अबदी जिंदगी। यहां यूं समझ लें कि ऐसा है कि बस उसको वैसे इस तरह नहीं कहना चाहिए कि भाई मौत भी ना आए, या दूसरे लफ्ज में यूं कह लें, इनका ख्याल कुछ यूं था कि अगर एक बार एक डिजीज हो गई उसको क्योर कर लिया है तो वो डिजीज दोबारा ना हो। यकीनन अगर ऐसा हो जाता तो बहुत बड़ी अप्रोच थी। वो इसमें कितना हद तक कामयाब हुए कितना कामयाब नहीं हुए वो हमारे बुक का हिस्सा नहीं है, हम नहीं पढ़े। ये इनका बेटा जी मेन जो काम था वो ये था, और अल्केमी पे काम करने वाले जो केमिस्ट थे उनको नाम दिया जाता है बेटा जी अल्केमिस्ट। और ये एक इंग्लिश राइटर की बुक भी है अल्केमिस्ट के नाम से, कभी मौका मिले तो उसको जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा नावल कह लें या बुक कह लें। तो मैंने अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मैं भी जरूर पढ़ूंगा, बहुत सुना है मैंने इसके बारे में। अच्छा, इसके साथ साथ बेटे इनकी जो तीसरी अप्रोच थी, ये हमारे बुक के उन्होंने बताया यही है कि इनके ऑब्जेक्टिव टू ये थे, काम यही करना चाहते। उसके साथ साथ इनकी उस वक्त का बेटे जो ख्याल था वो ये था कि मोस्टली जो हमें कंपाउंड्स वगैरह मिलेंगे वो बेसिकली बने हैं फोर एलिमेंट्स से। ऐसे एलिमेंट्स के बारे में बेटे हमारे बुक में तो नहीं लिखा हुआ, पेज नंबर 49 अगर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बेटा जी पेज नंबर 49, एक बॉक्स बना हुआ है पिंक सा, डू यू नो के नाम से,
और साथ ही लिखा हुआ है दे बिलीव ऑल काइंड ऑफ मैटर। मैंने यहाँ पे कंपाउंड का लफ्ज यूज किया, ज्यादा अच्छा लफ्ज उसके अकॉर्डिंग अगर हम डिस्कस करें तो वो कंपाउंड के कोई भी सॉरी मैटर है तो वो बेसिकली बना किससे है, फोर एलिमेंट से मिलकर बना है। यहाँ पे नाम नहीं है, लेकिन अगर हम देखें जब आप इंशाल्लाह थोड़ा प्रोसीड करेंगे हायर क्लासेस में तो यकीनन आपको देखने को मिलेगा बेटे कि मोस्टली हमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह दिखाई देते हैं। यानी कि हो सकता है कि ऐसा इनका कुछ ख्याल हो कि ये एलिमेंट्स दिखाई देते होंगे, चौथा एलिमेंट कोई भी ए बी सी एक्स वाई जेड हो सकता है, ये मेरा ख्याल है कि ऐसा शायद इन्होंने सोचा हो, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में नहीं लिखा हुआ तो आपको लिखने की जरूरत नहीं। ये इनका काम मेन था। अगर उन्होंने बेटे इसी चीज को एलैबोरेट किया कि जब यही फोर एलिमेंट्स हैं, यही फोर एलिमेंट्स कंबाइन हों, ये किस तरह से कंबाइन होंगे डिफरेंट वेज में, तो यकीनन वो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। और अगर आपको याद हो बेटे केमिस्ट्री के नाइन्थ के आपने चैप्टर नंबर वन में जब टॉपिक डिस्कस किया होगा पेज नंबर 8, 9 पे या 7 पे कंपाउंड और मिक्सचर वाला, तो वहां पे आपने यही चीज पढ़ी होगी कि जब डिफरेंट वेज में एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, कंपाउंड बना देते। मीन्स कि ये इनका ख्याल जो था वो बहुत पहले से इन्होंने इस बारे में बता दिया था। तो ये था, बाज दफा क्वेश्चन आता है जी अल्केमी क्या है तो आप इस बारे में लिखेंगे, या बाज दफा आ जाता है जी अल्केमिस्ट क्या थे तो भी आप बताएंगे कि अल्केमिस्ट वो साइंटिस्ट थे जो इस पे काम कर रहे थे। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है और एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कोई बात अगर कोई स्टूडेंट इससे रिलेटेड पूछना चाह रहा हो तो प्लीज पूछ, लेकिन खुदारा अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए प्लीज। ये प्लीज सब देखिएगा बेटे, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। जी चले, कोई क्वेश्चन मौसूल नहीं हुआ तो या तो समझ आ गई है तो या बिल्कुल नहीं आई, अब अल्लाह बेहतर जाने। खैर तो इसी को डिस्कस करने के बाद बेटे हम अपने आज के लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करेंगे और हमने डिस्कस करना है जो अभी हमारा टॉपिक है बेटा जी, वो पीरियड्स। ये भी पेज नंबर 49 पे ही है आपकी टेक्स्ट बुक। तो अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा बेटे मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, हमने बात की थी पीरियड्स की, अगर आपको याद हो सैलिएंट फीचर्स ऑफ द पीरियडिक टेबल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, वहां पे हमने पढ़ा था कि जो पीरियडिक टेबल है उसमें हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और उन हॉरिजॉन्टल रोज को बेटे हम नाम दे दिया करते हैं पीरियड्स का। और ये बात भी हमने उसी टॉपिक में सैलिएंट फीचर्स में ही डिस्कस की थी कि देयर आर टोटल 7 पीरियड्स इन द पीरियडिक टेबल। बेटे आज हमने उन्हीं 7 पीरियड्स के बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस करना है। तो अगर हम बात करें बेटे, सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट पीरियड है, पेज नंबर 49 प्लीज खोल के सामने रखिएगा। जो बेटे हमारा पहला पीरियड है इसका नाम है शॉर्ट पीरियड। यकीनन बेटे अगर आप देखें कॉमन सेंस की बात, शॉर्ट मीन कम, छोटा, थोड़ा, तो इसे हम शॉर्ट पीरियड इस सेंस में कहा करते हैं बेटे, बिकॉज इट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। सिर्फ और सिर्फ बेटे इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, द वन इज हाइड्रोजन एंड द अदर इज हीलियम। ये हो गया जी पहला पीरियड जिसे हम नाम दिया करते हैं शॉर्ट पीरियड का। अच्छा बेटे अगर हम बात करें नेक्स्ट तो बेटे सेकेंड और थर्ड पीरियड हैं उन्हें नाम दिया जाता है नॉर्मल पीरियड्स को। उनमें ना तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है लाइक ग्रुप नंबर सॉरी पीरियड 5, 6, 4, 7 की तरह, और ना ही उनमें बहुत कम है लाइक जो ग्रुप सॉरी पीरियड 1।
तो नॉर्मल पीरियड्स की बेटे अगर हम बात करें, नॉर्मल पीरियड्स कहा करते हैं जी किस किस को भला? सेकेंड और थर्ड पीरियड्स को बेटे नाम दिया जाता है नॉर्मल पीरियड्स, और बोथ ऑफ देम कंसिस्ट्स ऑफ एट एट एलिमेंट्स। या नहीं, मेरे बात करने का मकसद बेटे ये है कि एट एलिमेंट्स होंगे सेकेंड पीरियड में और एट ही एलिमेंट्स होंगे थर्ड पीरियड। बेटे यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि शॉर्ट पीरियड कौन सा है या नॉर्मल पीरियड कौन सा होता है, या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जी कि नॉर्मल पीरियड कौन कौन से हैं या उसमें कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं, या एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन बेटे पूछा जाता है वो कुछ यूं है, क्वेश्चन आ जाता है कुछ इस तरह से, ये इसका हिस्सा ही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारा सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के बारे में लिखे, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के बारे में लिखे या उनके नाम्स के बारे में लिखे, तो ये आपने याद करना है। ये दो भी चूंकि आपके सिलेबस में यहाँ उसने डिस्कस किए, ये दो आपने याद करने हैं पहले वाले के लिए, और सेकेंड पीरियड के लिए आपने याद करने हैं ये जो आठ एलिमेंट्स इस सेकेंड पीरियड में आते हैं। तो फर्स्ट वन इज लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। बेटे एक चीज ध्यान में रखिएगा प्लीज, आपने इनके स्पेलिंग्स के साथ लिखना है एक, और दूसरा इनके सिंबल्स साथ लिखने। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, एक बार लिखें, दो बार लिखें, देख के लिखें, जुबानें लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको एक दो बार तीन बार देख के लिखेंगे तो यकीनन ये आपको याद हो जाएगा। चूंकि थर्ड पीरियड की बेटे अगर हम बात करें, आपकी बुक में इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसने कहीं भी थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के नाम नहीं लिखे, अगर आप याद नहीं करेंगे तो भी ये मसले वाली बात नहीं, क्योंकि हमने पीरियडिक टेबल को नहीं फॉलो करना, दरअसल हमने अपने सिलेबस को फॉलो करना है कि हमारे सिलेबस में उसने पीरियडिक टेबल का कितना हिस्सा यूज किया। हाँ, अगर आप तीसरे को भी याद कर लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आठ एलिमेंट्स हैं सिर्फ, वो अगर आप याद कर लें तो भी ठीक, नहीं करेंगे तो भी कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। नेक्स्ट बेटे अगर हम बात करें, सेकेंड थर्ड की बात होगी बेटे, अब हम बात करेंगे फोर्थ और फिफ्थ पीरियड्स की। तो फोर्थ और फिफ्थ जो हैं, अगर हम इनकी बात करें, इन्हें नाम दिया जाता है लॉन्ग पीरियड्स का। तो लॉन्ग पीरियड्स कौन कौन से हैं? फोर्थ और फिफ्थ पीरियड्स जो हैं, हम दोनों को नाम दिया करते हैं लॉन्ग पीरियड्स का, एंड बोथ ऑफ देम कंसिस्ट्स ऑफ 18 18 एलिमेंट्स। दोनों में 18 18 एलिमेंट्स हैं। इनके नाम भी हमारे इस पैराग्राफ का या इस सिलेबस का हिस्सा नहीं बन रहे, इस वजह से इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है। जबकि अगर हम बात करें सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड की, तो उन्हें हम नाम दिया करते हैं, इनका नाम होता है वेरी लॉन्ग पीरियड्स, तो वेरी लॉन्ग में कौन कौन से आएंगे? सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड्स, और ये दोनों में 32 एलिमेंट्स होते हैं। उस दिन हमारी बात हुई थी, अगर किसी को याद हो, कोई स्टूडेंट ने कहा था जी सेवेंथ इनकम्प्लीट है, उसमें 32 एलिमेंट्स हैं। तो बेटे वो ओल्ड बुक्स में ऐसा कुछ इशू है, सेवेंथ पीरियड में अब 32 एलिमेंट्स हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप पीरियडिक टेबल पे देख सकते हैं और उसको काउंट भी कर सकते हैं। इसमें 32 एलिमेंट्स हैं, अब ये इनकम्प्लीट नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो कि गलती से क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या एमसीक्यू आ जाता है कि कौन सा पीरियड इनकम्प्लीट है, तब हम मजबूरन सेवन्थ के बारे में लिखेंगे, वरना सेवन्थ भी अब इनकम्प्लीट नहीं है। प्लीज बुक पे पेज नंबर 49 पे देखिएगा। अच्छा बेटे, अब तक मैंने आपके सामने जो डिस्कस किया वो पहला पैराग्राफ हो चुका है पीरियड्स में, और सेकंड पैराग्राफ के बारे में भी हमने पहली लाइन को अभी तक डिस्कस कर लिया। उसकी सेकंड लाइन से मैं अब आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, प्लीज जरा ध्यान से ये बात सुन लीजिएगा। और पेज नंबर 48 पे, पेज नंबर
48 पे बेटे जो आपके सामने ये वाला पोर्शन दिखाया गया है प्रेडिक्टेबल का, इसको जरा देखिएगा, हम इस पे अभी बात करने जा रहे हैं। तो पेज नंबर 48 पे अगर हम देखें बेटे, तो एंड पे प्रेडिक्ट टेबल के बिल्कुल बॉटम पे हमें लिखा हुआ दिखाई देगा कुछ इस तरह से करके, लेंथेनाइड्स, और उसके नीचे बेटे बिल्कुल हमें लिखा हुआ दिखाई देगा एक्टिनाइड्स। तो इसी चीज को अगर हम देखें तो फर्दर ये बेटे कि आगे उसने कुछ एलिमेंट्स की ऐसे पीरियड पूरा शो किया हुआ है तरह से हॉरिजॉन्टल रो की फॉर्म में। अगर हम इसको डिस्कस करें तो बेटे आप देख सकते हैं सबसे पहले है लेंथेनम, लेंथेनम एटॉमिक नंबर इसका 57 होता है बेटे, और उसके नीचे अगर आप देखें तो एक्टिनम एसी उसका सिंबल है, इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटे 89। लेंथेनम के बाद, जरा ध्यान से सुन ले, मैं कह रहा हूँ जी लेंथेनम के बाद, मैं लेंथेनम को इंक्लूड नहीं कर रहा। इसी तरह से बेटे मैं बात कर रहा हूं एक्टिनियम के बाद, ये बात जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, लेंथेनम और एक्टिनियम की बात नहीं कर रहा, इसके बाद की बात कर रहा हूं। तो बेटे इसके बाद अगर आप काउंट करें, अगर आप देखें तो आपको लेंथेनम के बाद बेटा जी 14 एलिमेंट्स दिखाई देंगे वहां पे। अगर आप बुक उठा के वो एलिमेंट्स काउंट करना शुरू करें, लेंथेनम के बाद आपको 14 एलिमेंट्स दिखाई देंगे, काउंट करके देख सकते हैं आप, अभी हम ये काम भी करेंगे। और इसी तरह से बेटे एक्टिनम के बाद भी आपको 14 एलिमेंट्स की एक सीरीज दिखाई देगी, एक सीरीज लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57 के बाद 14 एलिमेंट्स की सीरीज, और दूसरी एक्टिनम 89 के बाद 14 एलिमेंट्स की सीरीज आपको दिखाई देगी। अब जरा प्लीज देख लीजिए पेज नंबर 48, बेटे मैं बात कर रहा हूँ लेंथेनम और एक्टिनियम को छोड़कर। जैसे बेटे हम लेंथेनम को छोड़ के बात करेंगे सीरियम, ये मैंने नाम कल आपके सामने लिखा था अगर किसी को याद हो, सीरियम एटॉमिक नंबर 58 से मैं गिनूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14। ठीक है, इसी तरह से एक्टिनियम के बाद बेटे अगर हम काउंट करना शुरू करें 90 थोरियम से, 90 थोरियम से आप लोग स्टार्ट करेंगे तो 90 वाला 1 कंसिडर होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14। तो ये जो एक्टिनियम के बाद 14 एलिमेंट्स की सीरीज है और लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स की सीरीज है, ये अब हमारा असल में मेन कंसर्न है जो हम इनको डिस्कस करने जा रहे थे बेटे। तो इन 14 एलिमेंट्स को जो लेंथेनम के बाद हैं, इन्हें नाम दिया जाता है बेटे लेंथेनाइड्स, और एक्टिनियम के बाद, एक्टिनियम के बाद की बात हो रही है बेटे, जो 14 एलिमेंट्स की सीरीज है उन्हें हम नाम दिया जाते हम दिया करते हैं एक्टिनाइड्स। अब यहाँ पे बाज़ दफा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को जी कि इनको ऐसा क्यों नाम दिया बेटे। अब यूं समझ लें कि जो लेंथेनम को फॉलो कर रहे हैं ना एक तरह से, उसके बाद में आ रहे, जैसे हमने नाम रख दिया लेंथेनाइड्स और ये फॉलोड बाय द एक्टिनियम, दैट्स व्हाई हमने इनको क्या नाम दे दिया, एक्टिनाइड्स का नाम दे दिया। ये तो बात हो गई। अब ओके अच्छा बेटे इस पे हम फर्दर थोड़ी सी बात करते हैं, मैं थोड़ा सा बोर्ड को रेज कर लूं फिर इस पे फर्दर हम बात करेंगे भी। अच्छा बेटे वो पिक्चर अगर किसी ने लेनी होती है तो आप अपना मोबाइल यूज करके वहां से स्क्रीनशॉट ले लिया करें, तो वो तो उसमें कोई इतने ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं होती। खैर अच्छा जी, तो इसी चीज को बेटे अगर हम फर्दर थोड़ा सा एलैबोरेट करें, अब ये जो भी बात हमने डिस्कस की अब यूं समझ लें कि हम उसका रिजल्ट निकालने जा रहे हैं कि हमने इसमें से सीखा क्या। तो ये जेड लिखा बेटे मैंने आपके सामने, आप जानते हैं एटॉमिक नंबर को हम कहा करते हैं, और 57 आप जानते हैं हमने भी पढ़ा 57 एटॉमिक नंबर किसका है जी, लेंथेनम। इसी तरह से एटॉमिक नंबर जी मैंने आपके सामने लिखा 89, और अभी हमने पढ़ा बेटे एटॉमिक नंबर 89 किसका होता है, एक्टिनियम का। तो ये हमने क्लियर किया कि इसके बाद जो 14 एलिमेंट्स की सीरीज है
और इसके बाद जो 14 एलिमेंट्स की सीरीज है, हमने इसको नाम दे दिया था एक्टिनाइड, सॉरी लैंथेनम के बाद है बेटे, तो हमने इन्हें नाम दिया लैंथेनाइड्स का, और एक्टिनियम के बाद है तो हमने इन्हें नाम दे दिया एक्टिनाइड्स का। अब यहां से बेटे एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई एक्टिनाइड्स एंड लेंथेनाइड्स प्लेस्ड सेपरेट, इनको अलग क्यों रखा गया? कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है बेटे इसके पीछे। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही है कि प्रेडिक्टेबल, अगर अब आप गौर करें, देखें जी ये प्रेडिक्टेबल को देखें प्लीज, ये जो दो स्टार और एक स्टार उसने लगा के बताया ना, वो असल में ये बताना चाह रहा है कि उनकी जगह वहां बनती है, उनको वहां पे होना चाहिए था। लेकिन अगर आप देखें सेकंड पैराग्राफ बेटे, सेकंड पैराग्राफ बुक खोल लें प्लीज, सेकंड पैराग्राफ का बेटा जी फोर्थ लाइन है, उसने लिखा हुआ है जी कि प्लेस सेपरेटली बिलो द नॉर्मल प्रेडिक्टेबल। ये दो अल्फाज लिखे हैं, ये दो अल्फाज दो मार्क्स के लिए काउंट होंगे, बस यूं समझ लें, प्रेजेंटेबल एंड मैनेजेबल फॉर्म। क्यों इनको रखा? कंसर्न मेन यही था कि प्रेडिक्टेबल जिस तरह से बड़ी खूबसूरत सी लग रही है प्रेजेंटेबल फॉर्म में, इसको इस तरह ही रहना चाहिए, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, इस वजह से नीचे प्लेस किया गया। और दूसरा रीजन बेटे जो साथ आपकी बुक में उसने डिस्कस किया है, वो ये कि इसको किस तरह से रखा जाए कि जिस तरह से मैनेजेबल फॉर्म में ये पड़ी है, इस वजह से इसको इस तरह से ही रहने दिया जाए। तो ये इसमें से जरूरी जो बातें थी वो हमने डिस्कस कर ली। सेकेंड पैराग्राफ भी इसका बेटे कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे थर्ड पैराग्राफ की। तो थर्ड पैराग्राफ को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे एक पॉइंट जो कि आप यकीनन पहले जानते हैं। तो कल हमने रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, अगर आपको याद हो, प्रेडिक्टेबल का। उसमें मैंने आपको बताया था बेटे, एक तरफ हमारे पास सबसे पहला ग्रुप वन, ग्रुप टू, फिर दरमियान में हमने कहा था 3, 2, 12। उसके बाद हमने बात की थी बेटे 13 to 18। तो अगर 13 बेटे मैं यहां लिख रहा हूं तो अप टू सो ऑन ये हो गया 18। प्लीज जरा ध्यान से बात सुन लीजिएगा, और प्रेडिक्टेबल पेज नंबर 48 जो है बेटे, उसको जरा खोल के अपने सामने रखिएगा। बेटे अगर आप गौर करें तो मैं आपके सामने बेसिकली दो ग्रुप्स की बात करने लगा हूं जो मैंने हाईलाइट कर दिए, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 18। हम इन दो ग्रुप्स के ऊपर भी बात करेंगे बेटे, और आप देख सकते हैं ग्रुप नंबर 1 में आपको पता है कि जो स्टार्ट है बेटे, ऊपर ऊपर इसमें हाइड्रोजन है, फिर इसमें सेकेंड एलिमेंट लिथियम है, देन सोडियम है, देन पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम एंड सॉरी सीजियम CS होता है बेटे, एंड फ्रेंसियम FR। इसी तरह से बेटे अगर मैं आपके सामने लिखूं ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स, तो आप जानते हैं सबसे पहले है हीलियम, देन नियॉन, देन आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। अब बेटे जरा ध्यान से गौर से ये बात सुन लें, और ये हमारे आज के लेक्चर का तकरीबन शायद आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं। बेटे आप जानते हैं जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल गैस, नॉन मेटल है और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है गैस, हम इस पे कल बहस कर चुके हैं, काफी सारी बहस कर चुके हैं। और उसके अलावा बेटे जो अगर हम बात करें लिथियम से ऑनवर्ड, लिथियम से ऑनवर्ड, तो सारा हमारा ग्रुप नंबर 1 है, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा जी, मेटल्स हैं, और इनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म, स्पेसिफिक नाम यूज किया जाता है, वो इंशाल्लाह हम ग्रुप वाले लेक्चर में पढ़ेंगे जो कि कल इंशाल्लाह होगा। तो उसमें इनका नाम है बेटे, अगर हम इनको डिस्कस करें, इनका नाम जो साइंटिफिकली हम आमतौर पर यूज करते हैं बेटे, अल्कली मेटल्स। ठीक है जी, हाइड्रोजन नॉन मेटल हो गई, बाकी उसके अलावा हाइड्रोजन के अलावा लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे क्या हो गए, अल्कली मेटल्स। इसी तरह बेटे अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 18 की, तो बेटे हमने इनके ऊपर कल बात की थी, ग्रुप नंबर 18 के जो भी एलिमेंट्स हैं बेटे, इन्हें नाम दिया जाता है नोबल गैसेस।
क्या नाम दिया जाता है जिन्हें, नोबल गैस। बेटे मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आपने नोबल गैसेस या इन्हें कहा जाता है इनर्ट गैसेस। तो बेटे मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है, क्या आपने ये नाम पहले कभी सुना है, बस ये बता दे। अगर सुना है अब तक तो कितनी बार सुना है। जी शाबाश। क्या आपने नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस का नाम कभी सुना है, कितनी बार सुना है? चले यस ने तो कहा, ठीक है अच्छा क्या, कितनी बार, यानी कि मेनली कितनी दफा? सेवन क्लास में। अब पुत्र मैं नाइन्थ की बात कर रहा हूँ, सेवन्थ को छोड़ दो खुदा रहा। जी 4 to 5 times, तो इतनी टाइम तो बुक में भी कोई नहीं होना जितना हमने अभी तक पढ़ी है। खैर बेटे मेनली ना आपने दो बार इसको पढ़ा होगा, एक तो खैर मैंने कल वाले लेक्चर में इस पे बात की थी। सबसे मेन जो आपको पता होगा, अगर किसी को याद हो, चैप्टर नंबर 1 में टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल वाला टॉपिक अगर किसी ने पढ़ा है बेटे, तो उसमें टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में सबसे पहली जो एग्जांपल दी गई है वो इन्हीं के नाम से दी गई, अगर किसी को याद हो। खैर हम अपनी बात पे आते हैं कि हम बात क्या करना चाहते। बात बेटे ये है, अब देखें ये हमारा पीरियड 1, यहाँ से हाइड्रोजन हीलियम, ये पीरियड 2, ये 3, 4, 5, 6 और 7। बेटे आप देख सकते हैं कि पीरियड 1 स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, नॉन मेटल से। पीरियड 1 स्टार्ट हो रहा है बेटे नॉन मेटल से, लेकिन अगर हम फर्दर बात करें पीरियड 2 से ऑनवर्ड वो सारे का सारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेटल से, और एंड कहाँ पे हो रहा है, नोबल गैस पे। तो यही बेटे आखिरी पैराग्राफ है हमारी बुक का, कि पहला जो पीरियड है एक्सेप्ट दैट वन, उसके अलावा, पहले पीरियड के अलावा बाकी सारे के सारे पीरियड्स बेटे स्टार्ट होंगे अल्कली मेटल से और एंड होंगे नोबल गैसेस पे। ये था हमारा आज का टॉपिक, और ये भी ध्यान में रखिएगा बेटे, इसके डिसाइड हमने कल बात की थी अगर किसी को याद हो, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करेंगे कि एलिमेंट्स ने पीरियडिक टेबल में कहाँ पे होना है। शायद किसी को याद हो जब मैं ब्लॉक्स के बारे में बता रहा था। बेटे हमेशा याद रखिएगा, लो नंबर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का कम होगा तो वो लेफ्ट साइड पे आएंगे, जैसे जैसे उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे हम उन्हें राइट साइड पे प्लेस करते जाएंगे। ठीक है जी, कोई बात अगर इसमें पूछने वाली हो, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो प्लीज़ आप पूछने, और आज मैंने साथ साथ बता दिया कि कौन सा काम कैसे करना है, उम्मीद है कि आप इस तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं हो, प्लीज़ पूछ लें। हाँ बेटे होमवर्क, कोई बच्चा पूछ रहा है, आपने ना इसको 10 बार लिखना है प्लीज, और कल मैं चेक करूंगा आपका लाजमी, आपसे कैमरा ऑन करा के मैं चेक करूंगा इंशाल्लाह। सर इसका नाम नोट कर लें बेटे, जो जो क्वेश्चन मैंने शॉर्ट बताए थे आपने इनको याद करना है, और मैंने कल भी यही बात की थी बेटे, असल में चीज़ याद नहीं करनी होती, चीज़ समझनी होती। जब आप कोई चीज़ समझ लोगे, समझने के बाद जब आप उसको पढ़ोगे, जो आपको याद हो गया वही आपका असल में होमवर्क था। वो अलग बात है कि हमने फॉर्मेलिटीज करनी होती है, पढ़ना तो बाद में होता, कोई नहीं माँ बाप को दिखाना होता है आज मैंने ये कर लिया वो कर लिया। प्लीज कोई क्वेश्चन है जी? हाँ जी, एक बच्चे ने, किसी ने क्वेश्चन पूछा है जी, व्हाट इज मेंट बाय इनर्ट। अच्छा बेटे आमतौर पर ना इनर्ट जो लफ्ज यूज किया जाता है ना, ये यूजुअली इस्तेमाल होता है नॉन रिएक्टिव। जो आपके अच्छे टीचर्स हैं ना, खैर मैं तो उस तरह का नहीं हूँ, आप उनको जितना मर्जी तंग कर लें, उन्होंने कभी आप से ना रूडली नहीं बिहेव किया होगा, गुस्सा नहीं किया होगा, दैट मींस कि दे हैव इनर्ट बिहेवियर, दे आर नोबल, वो वाकई अच्छे हैं, वो शरीफ हैं। तो पहले ना इनका नाम इनर्ट ही रखा जाता था, ये बिल्कुल नॉन रिएक्टिव, लेकिन बाद में आपको पता है ना, जितना भी इंसान अच्छा हो हम उसको तंग करते रहें, कहीं ना कहीं जाके तो सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और फिर आगे से इंसान रिएक्ट करता है। तो इस वजह से फिर इनके नाम को इनर्ट से चेंज किया कि नहीं, नॉन रिएक्टिव नहीं है, हाँ कम रिएक्टिव जरूर है, इसलिए फिर इनको नोबल गैसेस का नाम दिया। जी और कोई क्वेश्चन बेटे? जी अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया जी कि क्या अल्केमिस्ट अपने काम में कामयाब हो गए थे, अगर ऐसा होता तो दुनिया की आबादी आज जो 6-7 अरब है वो उससे तो मेरे ख्याल में कोई कई गुना ज्यादा होती, ऐसा नहीं हो सका। क्या कहा जी?
क्वेश्चन पूछा गया जी कि क्या एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के। 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हैं, हर कोई अपनी इंपॉर्टेंस खुद रखता है, ठीक है जी। एक अच्छा इसमें दूसरा ये कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की जो हम बात कर रहे थे ना आज, बेसिकली हमने ये जो भी सारी बात की ना, ये एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं, तो डी और एफ वालों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इंशाल्लाह बेटे जिंदगी रही तो कल के लेक्चर में मैं थोड़ा ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में भी थोड़ा सा व्यू दे दूंगा, बाकी उसको को बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा चूंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कुछ कंफ्यूजन चल रही थी, अब इसमें इस बारे में तो क्वेश्चन नहीं आया, तो दो चार मिनट अभी बाकी हैं, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा उसको एलैबोरेट कर दूं। तो आई थिंक सो कि आप बहुत सारे लोग वैलेंसी वाला टॉपिक पढ़ चुके होंगे चैप्टर नंबर 1 में। तो अगर आप बेटे वैलेंसी वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं तो यकीनन आपने वहाँ एक टर्म डिस्कस की होगी, पढ़ी होगी, वेरिएबल वैलेंसी। और अगर नहीं पढ़ी तो आज बुक खोल के पढ़ लीजिएगा, आई थिंक सो पेज नंबर 7 है, उसको आप जरा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं उसको। बेटे आपने वहां एक चीज पढ़ी थी अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है उसके बारे में मुझे फिर से। वेरिएबल वैलेंसी की टर्म बेटे आपने पढ़ी होगी और वहां आपने ये चीज सीखी होगी कि कोई एलिमेंट जब बिहेव करे कुछ इस तरह से कि मोर देन वन वैलेंसीज वो रिप्रेजेंट करे, शो करे, तो हम कहते हैं कि उसकी वैलेंसी क्या है, वेरिएबल। तो ऐसे ही समझ लें बेटे जैसे कोई इंसान है, रिगार्डिंग योर पेरेंट्स या टीचर की बात कर ले, वो कभी आपके साथ बहुत रूड बिहेव करता है, कभी आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है, कभी आपके साथ फन कर लेता है, लतीफा सुना लेता है, कभी आपसे लतीफा सुन लेता है, कभी आपको कोई मॉरल एस्थेटिक वैल्यूज के बारे में बताता है, इट मीन्स कि इट हैज सॉरी ही कहना चाहिए, उसका ऐसा बिहेवियर है कि वो ये वेरिएबल बिहेवियर शो करता है। वो एक जैसा नहीं है कि मेरी तरह नहीं है, बस हर वक्त बच्चों पर गुस्सा ही करते रहना है, गुस्सा ही करते रहना है, गुस्सा ही करते रहना है, ऐसा नहीं। तो ये वेरिएबल बिहेवियर। अब बेटे अगर हम बात करें जो वेरिएबल वैलेंसी की हम बात कर रहे होते हैं, बेसिकली बेटे ये बात हो ही मैक्सिमम इनके लिए हो रही होती है। किन एलिमेंट्स के लिए हो रही होती है बेटा जी? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। अब जरा गौर कीजिएगा, हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्हें कहते ही यही हैं कि इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती रहती है। कभी कभार तो ऐसा होगा कि जो आयरन है वो Fe2+ दो इलेक्ट्रॉन लूज किए उसने, लेकिन कभी कभार किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर, सॉरी किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्शन करते हुए उसने +3 शो किया। शायद आपको याद है इसको आपने पढ़ा था फेरस और इसको आपने पढ़ा था फेरिक, ठीक है जी। इसी तरह बेटे अगर आपको याद हो कॉपर की एग्जांपल, कहीं आपने देखा होगा जी कि उसकी वैलेंसी +1 है, वैलेंसी वाला जो टेबल था आपने पढ़ा था, और एक जगह पे कहीं आपने उसका देखा होगा जी +2, इसको आपने नाम दिया था क्योप्रस, इसको नाम दिया था क्योप्र। अब देखिए बेटे ये एलिमेंट डी और एफ वाले वो इस तरह से बिहेव करते हैं, खासतौर पर हम डी वालों की बात किया करते हैं, एफ वालों की तो फिर वो केमिस्ट्री बहुत ज्यादा आगे निकल जाती है। ऐसा बिहेव करते हैं बेटे कि कभी कभार तो इस तरह से बिहेव करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, कभी दो कर रहे हैं, कभी तीन कर रहे हैं, कभी चार। तो ये जो इनका ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं हम इसे लफ्ज, ट्रांजिशन स्टेट इलेक्ट्रॉन का लूज, या लफ्ज इस्तेमाल क्या करते हैं बेटे हम, ऑक्सीडेशन स्टेट। इंशाल्लाह वल अजीज जिंदगी रही और अगर मैंने आपको पढ़ाया तो बेटे चैप्टर नंबर 7 में इसके बारे में डिटेल, हाँ वैसे अगर आप चाहें तो आज आप जाके पढ़ सकते हैं, चैप्टर नंबर 7 में इसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे ही आप ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन ये वाली भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये था ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन ऑक्सीडेशन और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बिहेवियर। आई थिंक सो क्या अब आपको पता चल गया होगा कि असल में हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कहना है, और ये डी ब्लॉक वाले और एफ ब्लॉक वाले होते हैं, और मेनली हम इसमें से स्टडी किया करते हैं डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि एफ वालों को नहीं पढ़ेंगे, इस लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, ना डी की डिटेल पढ़ेंगे ना इसकी। जी कोई बात अगर पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज पूछ लें जी, ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा, मेरी तरफ से होमवर्क यही होता है, एक बार जब आप पढ़ेंगे और जो आपको लगे कि ये बात इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर लें, ये आपका होमवर्क। और वो जो शहजादा था जिसने अभी क्वेश्चन कहा था कि क्या होमवर्क है, वो 10 बार लिखेगा उसका नाम नोट हो चुका है, वो मैं इंशाल्लाह चेक करूंगा, नहीं तो उसमें क्लास से भगा दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।